अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं। आज ये क्लास 10 की 17.5 को हम इंशाल्लाह ताला सॉल्व करने जा रहे हैं। और इससे पहले बेटा 17.1, 2, 3, 4 तमाम पार्ट्स मैंने एक एक पार्ट को सॉल्व कर दिया सर। निशान शाह ZLC कॉलेजेट से। अच्छा जी, चैनल का नाम बेटा निशान इन्फो है, और इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है तो। और बल्कि उसके लिए आपके लिए बल्कि थैंक यू सो मच कि आप लोग बड़ा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही सब्सक्राइब भी करें बेटा, और अपने दोस्तों को भी भेजें, सेंड करें और लाइक भी करें। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात मुझे ये बतानी है। देखिए 17.5 से शुरू होता है फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन क्या है? सेट ऑफ सेट्स का एक कलेक्शन होता है, उसको फंक्शन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन में बाहर नहीं जाते। तो मैथ के अंदर स्किल्स को बढ़ाने के लिए एक वर्ड टर्म इस्तेमाल होती है फंक्शन। जितना मैथ करते हैं ना उतना आपका दिमाग तेज होता है, ठीक है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि मैथ के पढ़ने के फायदे क्या हैं और हम क्यों पढ़ते हैं, ये मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको बताने वाला हूँ। वायरल 17.5 हमारी आखिरी, बहुत सारी स्टूडेंट इसको नहीं पढ़ते लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक बात याद रखिएगा, अगर आपने फर्स्ट ईयर में जाके प्री इंजीनियरिंग लेनी है तो उसकी मैथ को कहते हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की सबसे लेवल की मैथ है। तो उसके लिए स्टूडेंट अभी से अपनी क्लास 10 के अंदर ना, खासतौर पर जो आज 17.5 में पढ़ा रहा हूँ और आगे भी इंशाल्लाह ताला जब एक्सचैप्टर्स वगैरह होंगे तो उसके अंदर ये ऐसी चीज़ें इन्होंने डाली नई किताब के अंदर जो 2022 में आई है, कि वो फर्स्ट ईयर का भी आपको बड़ा अच्छा क्राइटेरिया मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। यानी कि आज आपने अच्छा सीख लिया ना, तो ये नहीं कि आपने मैट्रिक का सीख लिया, आपने फर्स्ट ईयर का भी सीख लिया है, समझे। तो ये 17.5 आपको लाजमी करनी है अगर आपको फर्स्ट ईयर भी अच्छा करना है और एग्जाम में भी आएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। आए चले स्टार्ट करते हैं 17.5 का। बड़ी आसान एक्सरसाइज है और सब इंतजार भी कर रहे थे इस चीज़ का। तो 17.5 का स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। बहुत आसान सी वैल्यू निकालने को कह रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने। अब जरा समझिएगा जरा गौर से बात को, ठीक है। अब ये करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ। इससे पहले एक चीज जरा समझिएगा, देखें वही वाली बात फर्स्ट ईयर की, अगर आप कॉमर्स क्यों नहीं ले रहे, कॉमर्स के अंदर बिजनेस मैथ है, उसके अंदर भी इस्तेमाल होगी चीजें जो भी आपको मैं बताने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर। देखिए मैंने ये लिखा मिसाल के तौर पे ए और ये बी लिख दिया, ठीक है जी, और ये सी और डी लिख दिया। हुआ क्या, ए बराबर होगा सी के और बी बराबर किसके होता है डी के। ये याद कर लें, फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, ए बराबर किसके, सी के, यानी कि पहली ब्रैकेट की पहली वैल्यू, इस ब्रैकेट की पहली वैल्यू आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी कि ए बराबर किसके, सी के, और बी बराबर किसके हो गया, डी के, ठीक है। ये चीज मैंने दोबारा यहां कर दी ब्लैक से, तो इसको इसी को टर्म लेके मैं यहां सॉल्व करने जा रहा हूं। अच्छा, यहां क्या, ये गौर कीजिएगा स्टूडेंट, कॉमा लगा हुआ, कॉमा सारा गेम है, कॉमा क्या है, सारा गेम है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जाग रहे हैं, जाग रहे हैं, सब जाग रहे हैं, कमेंट में लिख दिएगा सर हम जाग रहे थे, ठीक है। अच्छा जी, तो एक्स माइनस फाइव के बाद कॉमा है और ये 11 के बाद कॉमा है। यहाँ पे ए के बाद कॉमा था या सी के बाद कॉमा था, तो मैंने क्या करा था, ए को बराबर सी के ले लिया था। अब यहाँ क्या होगा स्टूडेंट, एक्स माइनस फाइव को बताओ किसके बराबर लेंगे, जाग रहे हो ना, बताओ एक्स माइनस फाइव को किसके बराबर लेंगे, एक्स माइनस फाइव को बराबर लेंगे 11 के। आए मेरा पहला सवाल सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जाते हैं, एक्स माइनस फाइव में सवाल को दोबारा लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, ताकि आपको प्रॉपरली थोड़ा समझा सकूं, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और मैथ में हम जानते हैं एक्स को वेरिएबल कहते हैं, वाई को वेरिएबल कहते हैं, ए बी सी डी जितनी भी होती है हमारी, एक्स वाई जेड एम एन ओ पी, ये सब वेरिएबल है। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बार बार बता चुका हूं, जो अपनी वैल्यू चेंज करता है, 5, 10, 11, 7, 1, 2, 3, 4, 19, 20, 100, 200, 1000, 2000, 58, 59, जो भी आप डिजिट ले लें वो सब आना क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। यानी कि जो काउंटिंग होती है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सो ऑन वगैरह वगैरह, जो कोफिशिएंट कहते हैं। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कहते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। इसकी भी इंशाल्लाह ताला आपको एक नई वीडियो बना दूंगा, उसमें देख लीजिएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल के मुताबिक इसकी डेफिनेशन के साथ। बहरहाल अब इसके अंदर देखें गेम ये, कि ये जो कॉमा है ना, मैंने कहा इसका गेम है, ये यहाँ कॉमा है, स्टॉप कहाँ करना है, कॉमा पे। तो बताएं मुझे, इसको सॉल्यूशन की हमने एडिंग डाली और हमने इसको सपोज कर लेंगे, बीच में कौन है बताएं, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू का मतलब है दोनों ब्रैकेट आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो क्या करूंगा, एक्स माइनस फाइव बराबर किसके ले लूँ बताएं, वाई माइनस सेवन के लूँ या 11 के बराबर लूँ। ऑफ कोर्स एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा 11 के, तो एक्स माइनस फाइव को मैं बराबर ले लूंगा 11 के। और एक काम करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और दूसरी वाली ले, कॉमा के बाद क्या नजर आ रहा है स्टूडेंट, 10 नजर आ रहा है, तो 10 को बताएं किसके बराबर लूँ, 10 को बराबर ले लूंगा वाई माइनस सेवन के, ठीक है। तो कॉमा जरा ध्यान में रखें, बोले कॉमा, बोले सर कॉमा, बोला कॉमा, ठीक है। तो कॉमा को ध्यान में रखिएगा, क्या एक्स माइनस फाइव को किसके बराबर ले लिया, कॉमा से पहले 11 है बराबर आ गया, और कॉमा के बाद यहाँ टेन है, 10 आया, और एक्स को किसके बराबर लिया, कॉमा के बाद वाई माइनस, यानी कि आमने सामने, यानी कि एक्स माइनस वाई को मैंने 11 के बराबर ले लिया और 10 को वाई माइनस सेवन के, ठीक है। याद रहेगा फॉर्मूला, ये कब करना है, जब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मालूम करने को दे दे और बीच में क्या डाला हुआ, इज इक्वल टू डाला हुआ हो, कुछ और ना हो, प्लस माइनस ना डाला हुआ, इज इक्वल टू की बात की, चाहे किसी भी किस्म की मैथ कर रहे हैं, अगर इज इक्वल टू डाला हुआ है तो यही आपने फॉर्मूला लगा के हमेशा सॉल्व करना होगा, चाहे कोई भी मास्टर की मैथ क्यों ना कर रहे हो, ग्रेजुएशन की क्यों ना कर रहे हो, इंटर की या मैट्रिक की। अब करेंगे इसके आंसर कितने निकलेंगे, दो निकलेंगे, मांग भी दो रहे, एक्स और वाई का आंसर मांग रहे, ठीक है, निकाल लेते हैं। आपको मैंने सिखाया है बेटा ये क्या कॉफिशियंट है और ये क्या वेरिएबल है। अच्छा, वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की। अच्छा स्टूडेंट, जो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसके लिए हम क्या सीखे, उसको हम क्या कर देते हैं, एंग्री कर देते हैं, क्या करते हैं, नाराज, एक्स को नाराज कर दो, ठीक है, नाराज कर दिया।
अब जब एक्स नाराज हो गया फाइव से, तो फाइव इसको छोड़कर बाकी आपको जो एंग्री होता है नाराज होता है उसको घर को छोड़ देता है, तो माइनस फाइव को क्या करेंगे, माइनस फाइव एक्स को क्या करेगा, छोड़कर इलेवन के पास जाएगा। तो आपको मालूम है प्लस वाली जो साइन, माइनस वाली जो साइन होती है क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। जब माइनस फाइव को ये उठाया, माइनस का फाइव मेरे हाथ में है, इसे इलेवन के पास लेके जाऊंगा, तो इसने कौन सी क्रॉस की बॉर्डर इज इक्वल टू की, जब भी कोई वैल्यू, जब भी कोई साइन माइनस की हो और इज इक्वल टू के बाद लिखूंगा तो वो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो इलेवन तो अपनी जगह आ गया, पता है माइनस फाइव लिखना बाकी रह गया, क्या मैं यहाँ पे माइनस फाइव लिख दूँ, तो ये गलत लिख दूंगा, क्योंकि माइनस फाइव ने इज इक्वल टू क्या करा, क्रॉस किया है, तो इसकी साइन की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ये इसके रूल भी इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर फोर में बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, कि जब शिफ्टिंग होती है ना बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इंशाल्लाह इसकी भी मैं हो सकता है बीच में एक बना दूं ताकि आपका मसला हल हो जाए वाला भी। बहरहाल माइनस वाली वैल्यू इक्वल टू क्रॉस करके प्लस हो जाती है, प्लस वाली वैल्यू क्रॉस होकर माइनस हो जाती है, प्लस वाली माइनस और माइनस वाली प्लस हो जाती है, और इसी तरह से मल्टीप्लाई वाली डिवाइड और डिवाइड वाली मल्टीप्लाई, वो भी थोड़ी देर में जब आएगी सिखा दूंगा। बता 11 और 5 लाइक कर रहे हैं तो ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू 11 और 5 16 आ गया, ठीक है जी। हमारे इक्वल टू 16 आने के बाद स्टूडेंट मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है, वाई देखिए इज इक्वल टू के बाद है, देखिए सिस्टम याद करें, पहला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें थोड़ा तवज्जो सुना करें, थोड़ी सी वीडियो को लंबी थोड़ा बर्दाश्त भी किया करें। वाई की वैल्यू अगर इज इक्वल टू के बाद है, आपको पता है जो वैल्यू निकालनी होती है वो कौन होती है, लेफ्ट इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू है, ये लेफ्ट साइड है, इज इक्वल टू 16 राइट हैंड साइड है, जो वैल्यू निकालनी होती है कौन होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब एक्स नजर आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है, जान छोड़ गए, लेकिन इस बार y की वैल्यू निकालनी है, मगर y कहां है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर है, यहां पे x कहां था, लेफ्ट हैंड साइड पे था, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, यहां मसला है। भारत अब करेंगे क्या, सुने मुझे y की वैल्यू निकालनी है, y को नाराज करना होगा, जब y नाराज होगा माइनस सेवन है, माइनस सेवन कहां जाएगा, इसको छोड़कर जाएगा, बताए माइनस सेवन इज इक्वल टू क्रॉस करेगा किसका हो जाएगा, लिख के मुझे जरूर बताएगा कमेंट्स में क्या हो जाएगा, प्लस का सेवन हो जाएगा, ताकि मुझे अंदाजा हो कितना वर्ड सुन रहे थे, माइनस का सेवन किसका हो गया, प्लस का सेवन, तो यहां इकलौता अकेले रह गया रंजीदा वाई, बताएं टेन प्लस सेवन कितने हो गए 17, तो वाई की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गई 17, ये लिख दूं बिल्कुल लिख सकता हूं, ये आंसर हो गया। और अगर आप चाहते हैं सर कि नहीं सर वाई आपने कहा था लेफ्ट पे होना चाहिए, तो ठीक है कर लें और डालें वाई इज इक्वल टू 17, तो ये भी हमारा आंसर हो गया, इसको कहते हैं फ्लिप करना। तो मैंने क्या करा, वाई को दलिया और 17 को दलिया, तो कोई साइन में चेंज होने की जरूरत नहीं है। आई नंबर टू की तरफ, अब स्टूडेंट नंबर टू पे आते हैं, तो नंबर टू में कहता है 5x प्लस, तो स्टूडेंट मैंने नंबर टू, ये अब नंबर टू को कर रहे हैं, वन तो हमारा हो गया ठीक है, वन खत्म हो गया, नंबर टू पर आ जाए, नंबर टू मैंने यहाँ लिख दिया, वही देखें क्या गेम है स्टूडेंट, कॉमा, बार बार इसलिए बताता हूं ताकि आपके दिमाग में हिफ्ज हो जाए, कॉमा लगा दिया, कॉमा के गेम याद है, बताएं इक्वल क्या बीच में साइन इज इक्वल टू, तो हम कॉमा से पहले वाली वैल्यू पहले ब्रैकेट की लिख देंगे, 5x प्लस 8 क्या आएगा बताएं, 3x प्लस 10 आ जाएगा, ठीक है दिमाग चल रहा है, हो गया ये अगली लाइन, बताएं दूसरी वैल्यू कॉमा के बाद क्या है, 5y माइनस 4 बताएं इज इक्वल टू आया, ठीक है जी, अब क्या डालेगा 2y प्लस ये 2 आ गया, गॉट इट, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं ना, बस सही है। मुझे बताओ यहां तो बड़ी कंफ्यूजन हो गई सर, ये भी 5x है ये भी 3x है, दोनों लाइक कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, जब लाइक कर रहे हैं स्टूडेंट क्या करेंगे, दोनों को एक जगह कर देंगे, दोनों को एक साइड पे ले आना चाहिए, 5x और 3x क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है और y की, ठीक है ये ध्यान में रखते हुए करना, बताओ 5x और 3x दोनों को एक जगह कर दो, कैसे, मगर बीच में कौन है इज इक्वल टू, क्या वादा किया था, जब मैं 3x को इधर लाऊंगा, बताओ कमेंट्स में बताओ क्या होगा, माइनस का 3x हो जाएगा, क्यों, अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे सर तो कोई साइन ही नहीं है, तो मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से मैं हर दफा मैथ में कहता हूं साइन कुछ भी ना हो पहली टर्म में तो प्लस होती है, तो ठीक है, तो प्लस वाली तरह के क्या हो गई, ये देखिए माइनस हो गई, क्या थी यहाँ पे प्लस थी, यहाँ क्या कोई माइनस, तो अगर प्लस पहली टर्म में लिखते नहीं हो गया माइनस का 3x, अब यहाँ पे करते हैं 10 लिखा हुआ है 10 लिखते हैं 8 का क्या करूं, दिमाग चल रहा है बताओ, ये मुझे क्लास में जरूर बताना, प्लस का 8 है वहां जाके क्या हो गया इज इक्वल टू क्रॉस करके माइनस का 8 हो गया, ठीक है अब देखो अच्छा हो गया, खुद देखो दिमाग चलाओ थोड़ा सा, क्या करा मैंने एक्स और एक्स वालों को एक जगह कर दिया और मैंने कांस्टेंट कांस्टेंट को एक जगह कर दिया, ठीक है अब बताओ ये माइनस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ये प्लस का ये माइनस का, यहाँ कुछ साइन नहीं तो किसके प्लस की है, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े की आती है, बड़ा फाइव है तो प्लस की साइन आ गई, प्लस मगर शो नहीं करेंगे, बताओ फाइव में से थ्री गए तो कितने बच गए 2x बच गए, ठीक है 5 में से 3 गए 2x बच गए, 10 में से 8 गए और यहाँ पे भी कितने बच गए 2 बच गए, साइन बड़े की आगे 10 बड़ा है, प्लस की साइन आ गई, क्या आंसर हो गया, नहीं क्यों, आंसर क्या चाहिए, x चाहिए, 2x का आंसर नहीं चाहिए, आंसर x का चाहिए, बताओ जिसका आंसर चाहिए वो क्या है, x है, x वेरिएबल है और 2 इसके साथ लगा हुआ है, बताओ m और n पिछली क्लास में पढ़ा था, ये m और n आपस में क्या हो रहे हैं, बताओ m और n आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो बात एक ही है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मुझे बताओ ये 2 लिखा हुआ है और ये पे यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो ये दोनों भी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि 2 और x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि ये जब एक वेरिएबल और एक कोफिशिएंट आपस में लगाओ तो बीच में कोई साइन ना हो तो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, अच्छा नहीं हो गया मल्टीप्लाई, याद रखना, चलो अभी याद ना हो पाए ना थोड़ा सा दिमाग में रख लो, जब भी कोई चीज बीच में देखो प्लस भी कोई साइन नहीं है ना, कोई प्लस की साइन नहीं है, ठीक है कोई माइनस की साइन नहीं है, बस ये थोड़ा सा याद कर लो, इसकी मैं वीडियो इंशाल्लाह अगली बनाने वाला, बड़ी जबरदस्त समझ में आने वाली है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्स क्या हो जाएगा, बोले वैल्यू निकालनी है, एक्स को नाराज कर दो और नाराज हो गया तो उसको छोड़ के कौन भागेगा 2, जब 2 भागेगा मल्टीप्लाई वाली वैल्यू भी मैंने थोड़ी देर पहले कही थी, अगर प्रेजेंट माइंड हो तो बताओ क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, ये वाला 2 यहां इज इक्वल टू क्रॉस करके क्या ऐसे लिख दूं, गलत हो गया, बल्कि कहां लिखूंगा बोलो, डिवाइड में लिखूंगा, डिवाइड ऐसे लिखते हैं, ठीक है तो एक्स 2 1 2 2 1 2 ऊपर ही 1 नीचे ही 1 बचा, लेकिन नीचे का जो 1 है इसको नहीं लिखते, बस ऊपर का 1 है वो लिखते हैं, ऊपर का 1 लिख दिया हमने, ये हमारे x का आंसर आ गया, ठीक है आई नंबर 2 की तरफ, नंबर 2 में स्टूडेंट जल्दी से समझते हैं, बताओ 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 बता रहे हो, बताओ ये y है, ये y है, बीच में
पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर लगा हुआ है, बाउंड्री वॉल, बताओ इस इक्वल टू क्रॉस करके आएगा कौन, 2y। अब तुम्हारा जेन कह रहा होगा सर आप 2y को तो लिया, 5y को भी तो लेके जा सकते थे, ले आना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस करके देखना आंसर सेम आएगा। अगर आप 5y को 2y के पास ले जाओगे तो माइनस का 5y हो जाएगा ना, तो आप वैसे भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है भारत। 5y ये रहा, प्लस का 2y था, माइनस का 2y हो गया, ओके। अब ये 4 और 2 कांस्टेंट कांस्टेंट है, पहले तो 2 लिख देता हूं, और माइनस का 4 उधर गया दो, सही है ना, माइनस का 4 उधर गया था, बोलो बोलो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 4 उधर गया था, प्लस का हो गया, हो गया 5y ये रहा, प्लस का 2y, माइनस का 2y हो गया, और प्लस का 2 ये रहा, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का हो गया, बताओ 5 में से 2 निकालो, 3 बचेंगे, बताओ माइनस डाल दूं, गलत हो गया, अच्छा क्यों, क्योंकि सर 5 बड़ा है 2 छोटा है, तो 5 की साइन आएगी, जो कि 5 की साइन कुछ नहीं, तो प्लस होती है, प्लस आएगा, मगर प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 2 गए 3 बच गए, अच्छा जी, 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए, साइन बढ़ेगी आएगी, बताओ आंसर आ गया, नहीं, क्यों, क्या निकालना है, y की वैल्यू निकाल ली, 3y की निकाल ली, बताओ 3 का क्या करें, y नाराज हो गया, वही स्टोरी दोबारा सुना दूं, बोलो नहीं, चलो सुना दो, y रह गया यहां पे, y एंग्री है, 3 इसको छोड़कर जाएगा, कोई भी इसमें साइन नहीं है, 3 जाएगा तो कहां लिखूंगा, 6 3 रॉन्ग, फिर रॉन्ग हो गया, क्या करूं, क्या करूं, अपॉन में लिख दूंगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, 3 1 3 3 2 6, तो बताओ 2/1 लिख दूं, फिर रॉन्ग, क्या बोला था, मैथ के अंदर मैच्योरिटी अगर चाहिए तो एग्जामिनर चेक करेगा, गलत कर रहे हो, नीचे का वन शो नहीं करते तो क्या करूं, ये बेटा दो, तो आंसर क्या आ गया, वाई की वैल्यू 2 आ गई। ये छोटी छोटी सी बातें ना देखो याद कर लोगे ना तो मैथ आसान होती रहती है, तो मैंने हमेशा जब भी पढ़ा, मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं, मुझे कई साल गुजर गए, मैं हमेशा ये कहता हूं बेसिक चीजों को अंडरस्टैंड करोगे ना, चाहे वो मैथ पढ़ रहे हो, मुझसे केमिस्ट्री पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ लो, तो बड़ी अच्छी मजा, आपको पता है इंशाल्लाह जैसे मैं मैथ कवर होगी तो मैं आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स से ये तमाम चीजों पर वीडियो बनाना शुरू करूंगा, और आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब अपनी कोचिंग में पढ़ा रहा हूं तो ZLC कॉलेज के अंदर तो बड़े एंजॉय भी हम करते हैं स्टडी को, तो इंशाल्लाह आपको उसमें मजा आएगा, तो कॉन्सेप्ट और मीनिंग को बड़ा अच्छा समझिएगा, मीनिंग और कॉन्सेप्ट हर चीज की पता हो जाएगी, आप जो बोलते हैं ना बच्चे मैथ बड़ी मुश्किल है तो उनको बड़ा मजा आता है, अल्हम्दुलिल्लाह कई टाइम से बच्चे मैथ पढ़ रहे हैं, उनको बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, और आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे, बस थोड़ा सा 17 को हम खत्म की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट करते हैं, 3 को, ठीक है, आए रेडी हो, नंबर 3 में बताएं, कॉमा जरा नोट कर लीजिएगा, नंबर 3 में जरा गौर करिएगा, टेंशन बढ़ रही है, नहीं बहुत आसान है, क्या हो गया, नंबर 3 कर रहा हूं, ठीक है, ये हो गया, नंबर 3 पर आ जाएं, आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा क्या करें, कॉमा 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 कॉमा, तो 2x - 3y, बताओ इज इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, इज इक्वल टू 3, ठीक है, इज इक्वल टू 3 आ गया, दूसरी वैल्यू बोलो क्या आएगी, 5x + y, सारा गेम किसका है, कॉमा का, बताओ कॉमे के बाद क्या है, 16, तो ये 16 हो गया, इस वाले को हमने क्या दे दिया 3, इस वाले कॉमा के बाद वो क्या दे दिया 16, सिंपल। अच्छा जी यहां पे बताएं ये एक्स और ये वाई है, अच्छा हमने फिर प्रॉब्लम आई, कुछ बच्चों की मैथ वीक होगी जिन्होंने अभी शुरू से मेरे साथ नहीं दिया हुआ, क्लास 9 में मैंने बड़ा डिटेल से इस बात को समझाया हुआ है कि जब वेरिएबल सेम होते हैं वही प्लस और माइनस हो सकते हैं, जब वेरिएबल सेम ना हो तो प्लस और माइनस नहीं हो सकते, ये 3 के साथ वाई लगा हुआ है, 2 के साथ एक्स लगा हुआ है, दोनों माइनस प्लस नहीं हो सकते, जैसे मैं आपको बता दूं 2x और यहां पे 1 है 3x, दोनों के वेरिएबल क्या है सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 3 और 2 5, ये सही हो जाएगा, लेकिन ये अगर एक्स की जगह पर वाई लगा हुआ है तो ये दोनों सॉल्व नहीं हो सकते, ये स्टॉप हो जाएगा, आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये दोनों में माइनस नहीं कर सकता, और ये वेरिएबल डिफरेंट है, और क्या करना होगा इसकी वीडियो में आपको पहले कह चुका हूं, इंशाल्लाह बना दूंगा। अब क्या करें, देखिए स्टूडेंट काम करना होगा, जब दोनों वैल्यू के वेरिएबल चेंज हो जाए तो आपको एक सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकालनी होती है, कौन सी वैल्यू निकालनी होती है, सब्स्टिट्यूट, आप टेंशन ना लें, कोई आपसे पूछेगा नहीं कि सब्स्टिट्यूट क्या होता है, आपको समझा रहा हूं, सब्स्टिट्यूट वैल्यू यानी कि टेंपरेरी वैल्यू निकालनी होगी, करना क्या होगा, आप एक काम करें, या तो एक्स की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाले, कौन सी टेम्पररी, आंसर वाली नहीं है कि जो बुक ने मांगा हुआ है, करेंगे क्या, एक काम करते हैं किसी भी एक को यहां छोड़ दें, आप हमेशा काम कर लिया करें कि x को यहां ले लें, 2x छोड़ दिया, माइनस का 3y है ना, इसको वहां ले जाएं, तो किसका हो जाएगा, प्लस का 3y, और ये पहले से क्या पड़ा हुआ है, ये प्लस का 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर 3 पहले से पड़ा हुआ ये छोड़ दिया और माइनस का 3 उधर के, तो बताओ किसका हो गया, प्लस का 3y, जो आपको बेहतर लगे, मैंने दोनों तरीके बता दिया, आप कंफ्यूज रहो, तो स्टूडेंट क्या हो गया, 2x = 3 + 3y हो गया, बताओ टेम्पररी वैल्यू निकालने के लिए भी एक्स को क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, एक्स को नाराज करो, 2 और एक्स में कोई नहीं है, तो क्या होगा, बताओ x = 3 + 3y / 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा, डिवाइड किसके नीचे होगा, 3y के, 3 के, हां दोनों के होगा, ठीक है, दोनों के नीचे आएगा, ये नहीं कि 3 के नीचे लिख दो, 3y के नीचे ना लिखो, जब भी कोई मल्टीप्लाई वाली इज इक्वल टू क्रॉस करके जाती है, चाहे 2 वैल्यू लिखी हो, 1 वैल्यू लिखी हो, 4 लिखी हो, 50 लिखी हो, वो सबके नीचे आएगी, ठीक है, जैसे 2 दोनों के नीचे आ गया, एक्स अलग हो गया, अच्छा जी 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, कोई आपस में कैंसिल नहीं हो रहा, ये टेंपरेरी वैल्यू हम रोक देंगे यहां पे, ठीक है जी, और वैसे भी अगर प्लस हो रहा होता है ना तो ऊपर नीचे कैंसिल नहीं होता, ये भी मैं आपको बता दूंगा, यानी कि अगर नीचे यहां पे फॉर एग्जांपल 3 होता है ना, तो 3 से 3 में कैंसिल नहीं कर सकता, क्यों, अगर दिमाग है तो सुनो, ये 3 इस 3y से बताओ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो अगर ऊपर की 2 वैल्यू आपस में प्लस या माइनस हो रही हो ना, तो नीचे ऊपर आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, अभी आपको बात समझ में नहीं आएगी, इसकी वीडियो जब बनेगी तो तब बताऊंगा, फिलहाल आपने क्या रखा, इसको छोड़ दें, अभी तो ये आ गई हमारी वैल्यू, अच्छा x = 3 + 3y / 2 आ गया, इसको फिलहाल मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 का, ठीक है, मैंने क्यों निकाली वाली वैल्यू, पिछले मैं क्यों नहीं निकाला, क्योंकि देखें इसमें एक्स और वाई दोनों के अंदर डिफरेंट थे, मैं आंसर निकाल नहीं सकता था, मैं अगर उधर लेके जा रहा हूं तो देखें ना, जब तक एक्स की वैल्यू नहीं कहलाती, जब देखिए इसके अंदर वाई मौजूद है, नजर आ रहा है, तो इसका एक्स का आंसर नहीं हो सकता, एक्स का आंसर या वाई का आंसर वो होगा, अगर मैं एक्स निकाल रहा हूं तो मुझे यहां वाई नजर नहीं आना चाहिए, तब मेरा आंसर होता, अगर यहां वाई नहीं होता तो 3 और 3 में क्या करता, 6 कर देता, 6 को 2 करता था, मेरा जवाब 3 आ जाता, दैट्स इट, लेकिन इस वाई की वजह से मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो इस वजह से टेंपरेरी वैल्यू कहलाती है, अभी थोड़ा सा ट्रिक आप ध्यान में रखिएगा, अच्छा जी मसला तो हल नहीं हो सका, आपने इसकी टेंपरेरी वैल्यू निकालने का एक काम करना है, अब आप इधर आना है, और सुनिएगा बात को, आपने काम करना है, इस वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या है, 3 + 3y / 2 है, ये जो एक्स नजर आ रहा है, जहां जहां एक्स है वहां वहां 3 + 3y / 2 को हम पोस्ट कर देंगे, कैसे, मैं लिख देता हूं, पुट एक्स इज इक्वल टू क्या है,
थ्री प्लस थ्री वाई अपॉन टू, ठीक है जी, पुट कर देंगे हम एक्स को क्या, थ्री प्लस थ्री वाई अपॉन टू, इस वाली इक्वेशन, इसको नाम दे देते हैं हम, इसको नाम हमने, चले इसको नाम दिए कर देते, लिख देते हैं फाइव एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्सटी, मैंने दोबारा लिखा है, बताए एक्स की जगह क्या लिख दूं, बोले एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह आ गया सॉरी थ्री प्लस थ्री वाई अपॉन ये टू आ गया, अब क्या लिखूंगा सॉरी फाइव आ गया, एक्स की जगह क्या आ गया थ्री प्लस थ्री वाई अपॉन टू आ गया, ये प्लस आ गया, ये वाई आ गया, ये इज इक्वल टू आ गया, अब क्या आ गया सिक्सटीन आ गया, दोबारा करें सिक्सटीन का सिक्सटीन इज इक्वल टू इज इक्वल टू वाई का वाई आ गया, प्लस का प्लस आ गया, एक्स की जगह एक्स क्यों नहीं आया, क्योंकि एक्स की जगह हमने एक्स की टेम्पररी वाली वैल्यू रखेंगे जब यहां पर हमें आंसर नहीं मिल रहा होता, ठीक है जी। अब सुने, अब ये फाइव इन दोनों से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करा लेते हैं, बताएं फाइव थ्री था फिफ्टीन हो गया, और फाइव थ्री था फिर फिफ्टीन हो गया वाई के साथ, अपॉन टू इज प्लस वाई अपॉन सिक्सटीन, देखिए वही आ गया जिसकी मैंने पिछली दफा वीडियो बनाई थी, अब आपको फायदा होगा, एलसीएम निकालने की मैंने वीडियो बनाई थी ना फ्रैक्शन की, देखिए दोबारा आ गया, बताएं वाई का मतलब मैंने कहा था लंगड़ा है ना, लेकिन क्या है, और 15 प्लस 15 वाई के नीचे क्या 2 है, तो इसका बीच में कौन है प्लस है, तो क्या निकलेगा एलसीएम निकलेगा, याद आ गया, ठीक है, बताओ एलसीएम की मैंने बहुत लंबी डिटेल आपको बता चुका, तो इस वीडियो में मैं लंबी नहीं कर सकता, आप पिछली वीडियो देखिएगा, लिखेगा एडिशन सबट्रैक्शन ईशान इन्फो, ठीक है ना, वो वीडियो आपको मिल जाएगी, तो इंशाल्लाह आपका ये वाला मसला हो जाएगा। अब हुआ क्या, इसके नीचे क्या 1 है, इसके नीचे क्या 2 है, तो क्या एलसीएम निकला, मैंने कहा ये 2 एलसीएम आ गया, बताएं 2 और ये 2 सेम है, तो क्या 2 वन 2 आ गया, 1 आ गया, पता है 1 किससे मल्टीप्लाई का, ऊपर ऊपर कौन है 15, तो यहां लिख देता हूं 15 प्लस 15 वाई ये आ गया, अच्छा जी यहां कौन है प्लस आ गया, पता है इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, 1 के टेबल में 2 किससे आता है, 1 2 ये 2 आ गया, अब 2 किससे मल्टीप्लाई होगा वाई से, तो यहां पे वाई लिख दिया, ठीक है। अब जिसने वीडियो पिछली नहीं देखी उसको एलसीएम का प्रॉब्लम आएगा, एलसीएम की मैं इंशाल्लाह ताला वैसे भी बहुत डिटेल से आगे एक वीडियो बनाने वाला हूं, वैसे मैंने पिछली एक वीडियो टेम्पररी बना दी है ताकि वाले मसले आपके हल हो जाए, मैं वेरिएबल की वीडियो बनाऊंगा आगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी ये हो गया इज इक्वल टू, अब क्या 16 है, 16 अपनी जगह आ गया, इज इक्वल टू का जो 16 उससे कोई कंसर्न नहीं होगा, अच्छा आ जाओ आगे 115 सा ये 15 हो गया, 15 y 1 सा 15 y प्लस 2 y अपॉन 2 आ गया इज इक्वल टू 16, मुझे वैल्यू निकालनी y की, अच्छा जी अच्छा ये कितना हो गया 15, y और y सेम है तो कितने हो गए प्लस 17 y हो गया, 2 डिवाइड हो रहा है, बताएं उधर जाके क्या हो जाएगा, मैंने कहा था मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाता है, 16 टू कितने होगा स्टूडेंट 32, अच्छा जी मुझे आंसर वाई का चाहिए, वाई को मुझे नाराज करना होगा 17 और वाई, लेकिन इससे पहले मुझे 15 भी नजर आ रहा है, इन दोनों की लड़ाई करने से पहले आपको 15 को शिफ्ट करना होगा, ले जाए 15 को जरा उधर, बताए प्लस का 15 उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस का 15, 17 वाई, अब 32 में से 15 निकालें, 15 15 हो गया 17 आ गया, ये आ गया 17, ठीक है जी 32 में से अच्छा प्लस की साइन आ गई, बताएं 17 और वाई के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो 17 आ जाएगा नीचे जाएगा कैंसिल होगी क्या बचा 1, तो हमारा वाई की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू तो बना गई लेकिन x की वैल्यू अभी तक नहीं निकली। अब सुने गौर से जो मैं कहने वाला हूं, आपने क्या करना है y की वैल्यू को अब उठाकर आप या तो इसमें रख दें या फिर आप इसमें रख दें, लिख देता हूं दिखा देता हूं, या तो आप इसमें रख दें या फिर आप इसमें रख दें, ठीक है जिसमें रखना है आप रख दीजिए, और चले मैं किसमें रखूं बताएं, चले आप तो नहीं बता सकते, इसमें रख देता हूं, ठीक है पहली वाली में रख देता हूं, तो पहली वाली वैल्यू में रख देते हैं, लिख देते 2x और माइनस का 3y इज इक्वल टू 3, तो बताएं जहां जहां x है सॉरी जहां जहां y है वहां पर क्या रख देंगे 1 रख देंगे, ठीक है क्योंकि हमें x निकालना है तो एक्सप्रेसिटीज आ जाएगा, बताए वाई की जगह क्या गया 1 इज इक्वल टू 3, वाई की वैल्यू क्या है 1, मैंने 1 डाल दिया, बताए 3 1 3 इज इक्वल टू 3, माइनस का 3 को उधर लेके जाए किसका हो जाएगा प्लस का 3, 3 और 3 कितने हो गए ये 6 हो गए, ये तो नाराज है 2 को उधर लेके जाए 6 अपॉन 2 हो गए, तो एक्स की वैल्यू क्या निकली 3, ये हमारे एक्स की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई 3, तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या 1 और एक्स की वैल्यू गई 3, तो आप बुक के अंदर चेक कीजिए अपने आंसर को करेक्ट कीजिए, तो बहरहाल वाली आज के पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के 3 के मेरे तीनों पार्ट खत्म हो गए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह 17.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले स्टूडेंट, इसको कंप्लीट करें, इसको शेयर करें, और अगर वीडियो समझ में आए शेयर करें, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही मुझे कमेंट जरूर करिएगा, अल्लाह हाफिज़।